बिहार की राजनीति में बदलाव का संकेत देते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष के घर इफ्तार में जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के उस कार्यक्रम में नहीं। दूरियां नजदीकियों में बदलेंगी, अब ये किसकी दूरी है, नजदीकियों की आप बात कर रहे हैं? बहरहाल, क्योंकि मुख्यमंत्री भी आजकल पैदल चलकर अपने विपक्ष के नेता के घर वो जा रहे हैं। बहरहाल, मुझे लगता है कि आने वाला समय इसको बताएगा, पर इतना मैं जरूर मानता हूं कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेर बदल जरूर हो। चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच का विरोधाभास अब खुलकर सामने आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में सारे विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री तक आए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री उनके कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, वे पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष के घर इफ्तार के आयोजन में जाते हैं। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच में ही जो विरोधाभास है वो अब खुलकर दिखाई देने लग गया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सारे विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री भी वहां पर आए, पर वहीं पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके कार्यक्रम में नहीं जाते, वहीं पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष के घर इफ्तार के आयोजन में वो जाते हैं। तो यकीनन, और मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ इस बात को, कि मुख्यमंत्री जी पहले अपनी कुर्सी को बचाने का प्रयास करते हैं। आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये सुखबुगाहट तो है ही कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देने का प्रयास कर रही है। वही चिराग ने लाउडस्पीकर विवाद को लेकर कहा कि बेवजह जानबूझकर इसे तूल दिया जा रहा है, ये मुद्दा केवल जनता के ध्यान को भटकाने के लिए चर्चा में लाया गया है। देखिए, मैं नहीं मानता कि लाउडस्पीकर बिहार जैसे प्रदेश में आज की तारीख में कोई चर्चा का विषय हो सकता है। आज की तारीख में बिहार में अपने और कई ज्वलंत विषय हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ता भैया कि कहीं पे लाउडस्पीकर लगा है कि नहीं लगा। बिहार की जनता को इस बात से फर्क पड़ता है कि बिहार में जिन लोगों ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ। बिहार की जनता को इस बात से फर्क पड़ता है कि बिहार में जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से बिहार के बच्चे पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हैं शिक्षा के लिए, उससे उनको फर्क पड़ता है। बिहार में फर्क पड़ता है बढ़ते अपराध से, बिहारियों को फर्क पड़ता है बढ़ते भ्रष्टाचार से। एक ऐसा सरकारी काम नहीं है बिहार में जो बिना घूस दिए हो।